it's a good exercise. Yeah. Oh. Sarapi, Thai name called Sarapi. Okay, ji. Hello, namaste, and welcome back to my channel, everybody. And first day है आज मेरा Chiang Mai में. Actually, मैं कल शाम को Chiang Mai पहुँची थी. Chiang Mai जो है वो Thailand के northern part में आता है. और यहाँ पर enter करते ही मतलब वैसे Chiang Rai में भी ऐसा hilly area थोड़ा दिखता है. But Chiang Mai is like more surrounded by the mountains. And today we are going to Thailand's biggest mountain. Yes, हम वहाँ visit करने वाले हैं, which is Doi Inhanton. Doi Inthanon. Yeah, I'll write the name here. यहाँ का pronunciation ना थोड़ा सा अजीब ही है. So Doi का मतलब होता है पहाड़ और mountain, and Inhanton जो है वो उस पहाड़ का नाम है. थाईलैंड का सबसे बड़ा माउंटेन है ये, तो ये नेशनल पार्क के अंदर में आता है. हम वही जा रहे हैं और मैंने इसके लिए ना ग्रुप टूर बुक किया है. अब ग्रुप टूर मैंने कहाँ से बुक किया था वो मैं नीचे लिंक में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, छोड़ दूंगी आपके लिए. और उसका जो कॉस्ट था वो $40 पड़ा है. और नेशनल पार्क के अंदर जाने की जो टिकट है दैट इज़ 300 baht, जो कि हम पे करेंगे अभी जाके. अभी राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ट्रिप फ्रॉम हियर, क्योंकि हमें जो है होटल से पिक किया गया और मैं बहुत ही हड़बड़ी में गाड़ी में बैठी थी, तो मैंने उस टाइम कुछ ब्लॉग नहीं किया. तो अभी गाड़ी जो रुकी है गैसोलिन स्टेशन पे गैस भरवाने के लिए, और यहाँ से हमें नेशनल पार्क पहुँचने के लिए और 15 मिनट लगने वाले हैं. तो या आई एम सुपर एक्साइटेड. आई एम ट्रैवलिंग विद बंच ऑफ पीपल, लाइक 6-7 people आर देयर इन द ग्रुप. और या दिन शुरू हो गया, थोड़ी थोड़ी सी गर्मी भी हो रही है अभी सन, क्योंकि एकदम मुँह पे पड़ रहा है. तो बट यस, पूरा दिन आज जो है हम भी नेशनल पार्क एक्सप्लोर करने वाले हैं. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द सेम. लेट्स गो. Big building, more than 80 years. Yeah, but now in the jungle like this cannot cut company factory. ओके एवरीबॉडी, सो हम अपने पहले स्टॉप में आ गए अंदर. देर इज़ अ वाटरफॉल, यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल है, लाइक 3-4 वाटरफॉल है. देन हम फिर माउंटेन में भी जाएंगे लंच के बाद, बट अभी हमने स्टार्ट किया है. तो देर इज़ अ फर्स्ट वाटरफॉल, इसका नाम है वॉचीरथन वाटरफॉल. आपको मैं दिखाती हूँ, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, लाइक इनक्रेडिबल इट इज. कुछ टिप्स हैं जो कि अगर आप ये नेशनल पार्क आओ तो आपको फॉलो करनी चाहिए. नंबर 1, वेयर कंफर्टेबल शूज. नंबर 2, वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, वो भी फुल क्लोथ्स पहनो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं बिकॉज ऑफ द मॉनसून सीजन. तो अभी एक लड़की को काट रहा था, उसने शॉर्ट्स पहना था, तो आई विल रिकमेंड, दे एक्चुअली रिकमेंडेड कि फुल कपड़े पहन के आओ, तो वही किया हुआ है. अभी ऊपर के लिए मैंने जैकेट भी रखा है, क्योंकि ऊपर माउंटेन में जाके ठंड हो जाएगी, तो या वो भी रखा हुआ है हमने अभी के लिए. लेट्स गो डाउन. Lalongkorn. The name of this waterfall, Sidney Khan. This is the name of the previous queen of Thailand, queen of Thailand. Okay, everyone, we have to walk down 100 meter. Walk down easy. Walk up. No one. On the tree, at the height, you can find it like a five, like far, yeah. Far away. Then you go. This is a seat, man. Yeah. This is a seat. Yeah, and go up. एवरीबॉडी, तो अभी हम आ गए हैं नेशनल पार्क के अंदर ही. देयर इज़ अ कलिन विलेज, कलिन विलेज उसके अंदर आ गए हैं हम. और यहाँ पे जो है वो ट्राइबल्स रहते हैं. तो ये पहाड़ के मतलब ये जो पूरा नेशनल पार्क है इसके अंदर ही छोटे 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 10 villages हैं. तो एक विलेज में मान लो आप 20 family ऐसे कुछ रहते हैं, और छोटे छोटे विलेजेस हैं. ये लोग अपना जो इनके घर के जो आदमी हैं वो लोग बाहर जाके काम करते हैं, और क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है, जंगल में भी बहुत सारी चीज़ें काम करने की, तो वो करते हैं. और जो लेडीज़
ऑफिस होती है वो वीविंग का काम करती है और एट द सेम टाइम दे टेक केयर ऑफ किड्स और इस तरीके से अपनी लाइफ लोग रन करते हैं. एंड नाउ दिस वन एवोकाडो. एवोकाडो ट्री. There's so many. Yeah, oh, this one. This one a lot. Yeah. Nah, avocado. Nah, avocado tree. One but high school on top of the. So, हमें दिखाने वाले हैं हमारे गाइड की यहाँ पे कॉफी कैसे बनती है. Let's see the process and taste भी करेंगे. Yay, coffee lover. Yay. Twelve minutes, 16 minutes. Light coffee, medium coffee, and dark coffee. Mm-hmm. Now more than 16 skin dry and put a little later. This is a coffee. This is a dark coffee. Nah, dark coffee. Salad tea, Thai name called salad tea. डिफरेंट टाइप की कॉफ़ी ट्राई करी. पहली एकदम ही स्ट्रॉन्ग थी लेकिन उसके साथ ऐसे एकदम से बॉडी पूरी ऐसी जाग गई है. सेकेंड वॉज मीडियम लाइक लाटे जैसे होता है वैसा. एंड देन थर्ड वन वॉज लाइक फ्लावर टी. लाइक आप उसको रात में पी के आराम से ग्रीन टी की जगह पे यू कैन ड्रिंक एंड यू कैन जस्ट गो फॉर अ स्लीप वैसे वाला था. तो ये तीन तरीके की ट्राई किया हमने. गुड एक्सरसाइज. ओके गाइस, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई एंड आई गॉट दिस कॉफ़ी. क्योंकि हाँ मतलब सामने से बीन से ग्राइंड करके दे रहे हैं तो मतलब कैसे ना लूँ मैं. अब कॉफ़ी पर्सन एंड हाउ कैन आई नॉट बाय कॉफ़ी. और साथ में मैंने एक कॉफ़ी सोप भी लिया है. मैं स्क्रब देख रही थी, कॉफ़ी स्क्रब बहुत अच्छा होता है बट ये नहीं है इनके पास, अभी अवेलेबल नहीं था. So yeah, I got this. अभी चल रहे हैं हम लंच स्पॉट में और ये मुझे कॉफ़ी पाउडर जो है वो मतलब ये कॉफ़ी मुझे 200 बात की थी, 50 बात का. दिस सोप इज. सो या दैट्स दैट. People from South Africa. What's your name? Chara. Okay, and check her channel. I will link in the description box. Her channel. They're super sweet, and we are just hanging around together, like on the group tour. We met here only. So yeah, अभी हम lunch करते हैं, and उसके बाद फिर हम आगे जाने वाले हैं. King Stupa exhibition hall inside, and after that we walk down to nature trail. This is the land forest. The weather cool all year. Now we here about 2,565 meter above sea level. Yeah. Okay. Get the rain check. Thank you. This is an elephant. Elephant is the symbol of the king of Thailand. Thai, Laos, Myanmar. Thai, Laos, Cambodia. But Myanmar different the symbol. Everybody, अभी हम ये nature trail के लिए जा रहे हैं. Expected this weather to be in Thailand? Like, yeah. मतलब यार अचानक से ऐसे हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए. मतलब एकदम ऐसे ठंड सी हो गई है. तभी आई एम वेयरिंग माई जैकेट. और क्यों ना हो, क्योंकि हम हैं
थाईलैंड के सबसे ऊंचे माउंटेन में यो दिस इज द लियो हे इस पॉप एफ मैकथी इंग्लिश इंग्लिशमैन ओके ना winter lower than 5 or sometime minus 2 minus 3 but frozen on the Anavitanon Joy is from Himalayan mountain from Tibet, Nepal, Bhutan, Myanmar, and Thai. Now from here to Himalayan about 4,000 or 5,000 kilometers. You can walk from this mountain. It's connected. The last mountain of Himalaya. Oh, okay. Yeah, you can. You can walk from that. Yeah, you can. Would you like to try? हो गया हमारा नेचर ट्रेल का वॉक. अब हम जा रहे हैं नेचर ट्रेल से यहाँ का जो स्तूपा है वहाँ जा रहे हैं. हमको हो जाती है देरी, फोटो वोटो खींचते रहते हैं, तो मेरा वेट कर रहे हैं सब लोग. एवरीबॉडी, तो हम आ गए हैं द ग्रेट होली पगोडा. यहाँ पे किंग का और क्वीन का दोनों का है, एज यू कैन सी बिहाइंड मी. तो यहाँ पे बेसिकली इनके बर्थडेज जो है वो सेलिब्रेट होते हैं, तो इसलिए आप पगोडा क्यों बोलते हैं, पगोडा का क्या मतलब होता है ये तो नहीं पता, बट या लेट्स गो. आप लेट मी टेक यू इनसाइड. तो हमने देख लिया किंग पगोडा, नाउ वी आर गोइंग टू क्वीन पगोडा. से व्यू भी दिख रहा है या अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर फोटोज भी ले लिए हमने लोगों से बोल के. अभी इस बार तो ऐसा है कि ग्रुप ट्रिप में आई हूँ, तो उसमें जितने भी लोग हैं, कभी इसको बोल दिया कभी उसको बोल दिया, और हमारे गाइड भी अभी अच्छे हैं, तो एकदम टिपिकल टूरिस्ट वाली फ़ोटो लेते हैं, बैठ के ऐसे पोज करो, यहाँ पे बैठ जाओ. बट इट्स ओके, उनको बताने से थोड़ा कर दे रहे हैं, तो इट्स फाइन. या बड़ी हम घर वापस आ गए, मतलब हॉस्टल वापस आ गए नेशनल पार्क से. उसके बाद आके मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गई, एंड नाउ थोड़ा सा ऐसे चेंज वेंज कर लिया है. अब आई एम गोइंग टू द नाइट मार्केट, जो कि सैटरडे और संडे को लगता है. वैसे डेली भी एक जगह पे लगता है, बट वो बहुत ही टूरिस्टी होता है, लाइक टूरिस्ट लोगों के लिए होता है, तो वहाँ पर महंगा सामान मिलता है सब कुछ.
तो ये जो मार्केट लगता है सैटरडे और संडे, ये लोकल्स के लिए होता है, और लोकल्स के लिए जो होता है वो उसमें रीजनेबल, जो लोकल लोगों को जो प्राइस लगाएंगे वही आपको भी लगाएंगे, इट्स लाइक वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता है. तो या वी आर गोइंग देयर. अब मैं थोड़ी सी तो टायर्ड थी बट मैं थोड़ा फ्रेश हो गई तो अच्छा लग रहा है. अब चलते हैं, फिर बाहर ही कुछ खा पी भी लेंगे और आके फिर आराम से सो जाएंगे. तो लेट्स गो टू चियांग माई नाइट मार्केट.